नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद का बयान, राजमणि पटेल बोले, इंडिया गठबंधन से घबराई बीजेपी ने 36 ऐसे दलों के नाम गिनाए जो कभी चुनाव नहीं लड़े। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। एक साथ दोनों चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बड़ी बात कही है। राजमणि पटेल ने कहा, इंडिया गठबंधन में जब 28 दल इकट्ठे हो गए तो घबराकर बीजेपी ने 36 ऐसे दलों के नाम गिना दिए जिनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन बस है। कई दल ऐसे भी हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े। राजमणि पटेल ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी इस समय घबराए हुए हैं और घबरा करके जो भी निर्णय वह ले रहे हैं, वास्तविकता यह है कि मोदी जी ने जिस तरह से देश के लोगों को ठगा है, इस देश के बेरोजगारों को, किसानों को और दलितों को जिस तरीके से ठगा, जिस तरीके से लूटा, और भारतीय यह समझने लगा है कि हमारा विश्वास लूटा गया है। इससे उनको घबराहट है कि भ्रम फैलाकर के, धर्मांधता फैलाकर, सांप्रदायिकता का वातावरण बिगाड़कर ये लोग जो हम लोगों का वोट लेते थे वह हम लोग समझ गए, इसलिए उनको घबराहट हो रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वह कोई मुद्दा लेकर की जनता के बीच जाए कि हमने यह वादा किया था और हमने इसको पूरा किया और हमें वोट चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है तो इस वजह से वह घबराए हुए हैं और इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। केंद्र सरकार कर रही तानाशाही, राजमणि पटेल ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। पहली बार ऐसी कमेटी बनी है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति को चेयरमैन बनाया गया है। प्रजातंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका होती है जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, व्यवस्था है। इस प्रकार के कोई भी निर्णय आते हैं तो उसमें बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस लिए, बिना विपक्ष की भागीदारी के ऐसे किसी निर्णय का कोई अर्थ नहीं रहता है। लेकिन तानाशाही रवैया के आधार पर इनको ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और संवैधानिक है। लेकिन ये लोग जो भी कर रहे हैं वे संवैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है। यह अपनी व्यक्तिगत कमजोरी छुपाने का प्रयास है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।